डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सहमति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं। परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों ना हो, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझा कर किए जाएं, डंडों और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी, जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखे, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके, उसके लिए जो भी वह कर सके करे। मुझे कहना है तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा महोदय। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूं कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा से नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दे और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़े दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो